organization. And in my right side, he is also one of the social workers from Assam. I'd like to extend my heartfelt gratitude to the correspondents of. ये है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। ये है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। बिसन जो एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। अगरतला, so because of your kind help, we can reach today. We are very happy to you. Since last 24 years, you have been helping us and you have been highlighting the truth about the problems of IDP. And to resolve that issue as well. So today the four corners agreement, after the signing of four corner agreement in 2020 on 16th January, we are to be resettled here in Tripura permanently. Accordingly, 11 location has been selected for our resettlement in 3 districts. And now 4 location in 2 districts has been processing now. Work has been executed for resettlements of group. And 2 location under the line and another 2 location under Panishagar subdivisions. We are very happy to resettle here. Since we don't have any way to return back to Mizoram. So we, as a signatory organization, extending our full support and cooperation to the state government of Tripura to materialize and to have a successful resettlement here in Tripura. In the meantime, it is very unfortunate to say there was an incident happened between the group community and Chorai community in North Tripura, that is at Kaiskau Para relief camp. It is one of the location which the group displaced people had to be resettled there. So I would like to say about the incident. This Chorai community and the group have been living peacefully over there since many centuries, we can say, in North Tripura near Damchera. So there is no any incident before. But just after the signing of agreement on 16th January 2020, few Chorai people, mostly they are from Assam, have started doing कल्टीवेशन जूम कल्टीवेशन बना के हमने रखा है लिखा है जो भी इस घटना की जो जिम्मेदार है जिसके कारण से दो कंपनी के बीच में ऐसा समस्या पैदा हुआ तो उनको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करके उनको सम्यक दंड दे दूसरा इस घटना के कारण अपने डिस्प्लेस कैंप से बहुत सारे लोग घायल भी हुआ सीरियस बहुत ही सीरियस कंडीशन में 7 और 8 लोग हॉस्पिटलाइज होके उनके पास इलाज का पैसा भी नहीं है विश्वास करते हैं अपने त्रिपुरा गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पर अपने त्रिपुरा गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर पर इसलिए अपने जो घरेलू जो भी समस्या है हमने कभी भी रिएक्ट नहीं किया अपने इस रिसेटलमेंट इशू को लेके जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स हुआ है हमने हमेशा ये कोशिश किया कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके ही सुलझाया जाए ना कि लॉ को अपने हाथ में लेके या लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेके हम लोग रिएक्ट करें ऐसा हमने कभी किया नहीं तो इस बार भी हमारी ओर से कभी भी सोशल मीडिया में उस घटना को लेके हम लोगों ने कभी भी किसी को भड़काया नहीं ना ही किसी को हमने जवाब दिया ना ही इस घटना को हमने दुनिया को बताया क्योंकि हमें लगता है कि ये घरेलू मामला है और ये बातचीत के माध्यम से भी सुलझ जाना चाहिए ये 26 तारीख की घटना थोड़ा सीमा लिमिट से बाहर हो जाने के कारण
हमें ये बताना पड़ रहा। 26 तारीख को पहले ही पहले तीसरे दिन बाद वो घटना हुआ था, उससे भी बढ़कर लोगों को मारपीट करके मतलब बहुत ही लोगों की मतलब क्या बोले लोगों की चिंताएं इतना बढ़ा दी कि पूरा समाज इसके खिलाफ जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तो ये आगे चल के भी हमारी समस्या और भी बढ़ा सकता है, ऐसा हमने विचार किया। इसलिए जब उन्होंने 26 तारीख को ग्रुप बना के हम लोग पर अटैक किया तो अपने ओर से भी हमारे घर में अपने कुछ 3-4 फैमिलीज के घर तोड़ के उन्होंने जब हमने मारपीट करना शुरू किया तो अपने कुछ काजकाओं और आसपास के अपने नौजवान लोगों से देखा नहीं गया तो उन्होंने भी थोड़ा सा रिएक्ट किया। हमने लगा कि उस घटना के बाद ये चोरे और अपने रियांग कमती बहुत सदियों से एक साथ रह रहे तो ये इतना प्रॉब्लम जो है आगे नहीं बढ़ेगा, इस आशा के साथ हम लोगों ने भी कोई सोशल मीडिया या किसी में हमने बात नहीं की। लेकिन उस घटना के बाद ही उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया, तरह तरह की उन्होंने बहाना बनाया, असम में जाके मानिकगंज में जाके उन्होंने असम गवर्नमेंट को तरह तरह की बताया कि हमें त्रिपुरा से भगाया गया और बहुत हमारे साथ मारपीट हुआ, हमारे जीवन जो है पूरा नर्क बना के उन्होंने हमें इतना मारा कि हमें अपना स्थान छोड़ के भागना पड़ा। चलिए इसका एक सबूत मैं बताता हूँ। अभी भी दामछड़ा उस आसपास जो चौड़े गांव है उनसे जाके पूछ के देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी वहाँ पे रह रहे और अपने लोगों के साथ जो पहले जैसा व्यवहार था अभी भी उनका व्यवहार वैसा ही है। तो कुछ लोग के बहकावे में आके बहुत सारे लोग गांव के जो गांव का नाम है हाईकुआ से बहुत सारे लोग मानिकगंज में चले गए और साथ ही साथ उन्होंने ये अपील की कि मिजोरम के जो YMA है लंकाइविजन YMA उनको भी उन्होंने शिकायत की कि हम मिजो के सब ट्राइब्स के अंदर आते हैं और हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार यंग कमिटी ने किया है तो हमें मारपीट के भगाया गया है, इसलिए आप हमें आके सहायता करें, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने किसकी गलती है, किसने शुरू किया, बहुत सारे विचार किए बगैर उन्होंने डायरेक्ट प्रेस रिलीज करके ये बताया कि अगली बार ऐसा घटना हुआ तो हम इनके पक्ष से हम I am Mr. Bruno Musa, General Secretary of Mizoram Buddhist People Forum. Sir, repeat. I am Mr. Bruno Musa, General Secretary of Mizoram Buddhist People Forum. And who is sitting in my right side, his name is Mr. B.P. Kumar Riang. He is the President of Blue Tribal Development Society. And the next one is Mr. Lal Panskima. He is the General Secretary of Buddhist Place Welfare Organization. And the last one, his name is T. Lalingriana. He is the President of Mizoram Blue Displaced Corporation. आए हुए सभी न्यूज रिपोर्टर जिन्होंने हमारे समस्या को जनता तक पहुंचाने के लिए अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ अपना समय दिया, उसमें सबसे पहले अपने ब्लू IDPs की ओर से मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद करता हूँ। जैसे सभी को पता है कि 1997 से लेके आज तक कंचनपुर सब डिवीजन में और पानी सागर सब डिवीजन में अपने भारत के नागरिक होते हुए भी यहाँ मिजोरम से डिस्प्लेस होके एक शरणार्थी जीवन लगभग 35,000 लोग जीवन यापन कर रहे हैं। 2020
16 जनवरी को अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और अपने त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव जी और अपना सम्मान्य गोवा का श्री प्रदीप किशोर माणिक्य जी, इन सभी के संयुक्त प्रयास से अपना एग्रीमेंट साइन हुआ था। त्रिपुरा में सभी मिजोरम से डिस्प्लेस होकर जो 23-24 साल से शरणार्थी जीवन जो यहाँ पे बहुत कठिन परिस्थिति में जो रह रहे, इनको नए जीवन के साथ नई जिंदगी शुरुआत करने का मौका एक तरह से दिया जाए, इस हेतु एग्रीमेंट साइन हुआ था। एग्रीमेंट साइन होने के बाद अपने डिस्प्लेस कैंप में एक तरह से मान लो कि खुशियों का लहर दौड़ गया, क्योंकि वहाँ डिस्प्लेस कैंप में किसी भी तरह की सुविधा, जो प्राथमिक सुविधा, शिक्षा, शुद्ध पीने की पानी, बिजली, सड़क, ये सब की व्यवस्थाओं से वंचित होने के कारण दूर 2 जनरेशन अपना बहुत ही कठिन परिस्थिति में निकल गया। तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से यहाँ त्रिपुरा में पुनर्वास हेतु एग्रीमेंट साइन होने के बाद अभी तक 11 लोकेशन त्रिपुरा गवर्नमेंट और अपने आईडीपीस के लीडर सब मिलके हर जगह कहाँ पे सेटल किया जाइए देखने के बाद यहाँ पे वी आर स्टिल ए फ्रेंड ऑफ देम, दे आर आल्सो ए फ्रेंड ऑफ अस, वी डोंट हेट देम। दिस इंसिडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ देम ओनली, दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंट, दे वांट द रिटेलिएटरी attack or the retaliation from the group. That is why they repeatedly made an incident of 4 times. Then only our people just retaliate. When this regard, FI also already lodged on Kharkiv incident, but the Kharkiv not yet arrested. Then they have been thinking that government also cannot do anything against us. That is why we can do this thing repeatedly. So this is what the incident happened like that. So in this context, we as a co-signatory organization would like to demand 5 points. That is, the government of Tripura should identify the responsible person who encouraged the Chorai community to commit such a heinous crime and give them an exemplary punishment. Second, financial compensation should be given to those 7 persons who were seriously beaten up by the Chorai community. Third, the government of Tripura should make diversion of 20 hectares more on the road side between Damchela to Gaurango Para for accommodation of 345 blue IDP party who are not yet got that load. This is the location where Chorai people have claimed, but most of them are coming from Assam. They don't have any document, they don't have any land document. It is also forest land. It is also forest land. It is not their land actually. And our people, those who made the shop also on the other side, it is under the PWD law. They don't have any right to claim that land for themselves. And then for demand is to the resettlement should be started immediately in various locations under Kanchanpur subdivision. Now there are 6 locations that resettlement should be carried out under Kanchanpur subdivision, but as of now it is not yet started. That is where we want to urge the government of Tripura, we want to request the government of Tripura to start a location where under the Kanchanpur subdivision also. Third, the security forces should be deployed for protection of true IDPs of Kaisopara relief camp from the possible attack of the right community. As far as our knowledge is concerned from the WhatsApp
बॉय से कोशिश और द लाइफ ऑफ पेट्रो परा ब्रू इज कंप्लीटली एस्पेक्ट एंड वी वांट द सिक्योरिटी फोर्सेस टू प्रोटेक्ट देम.